तो गाइस यू आर वाचिंग सीरियल्स, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इमली के आज रात के एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाएगा कि अगस्त्य रो रहा होगा। इमली उसे बताएगी कि मैं अभी शादी कर रही हूँ विश्वा से और ये घर छोड़ रही हूँ। जो सारा हाउस स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा रोएगा और किलर जो है वो वापस से आ जाता है। तभी अगस्त्य यहाँ पर इमली के लिए परेशान है। विश्वा इमली को उसकी तरफ प्रूव करवाता है कि वो उसी के साथ जाएगी और अपनी तरफ खींचता है। तभी वो रिवील करती है कि किलर जो है वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। जो किलर है वो एक बॉक्स छोड़ता है इमली के लिए जिसमें मोबाइल फ़ोन रखा होता है। अगस्त्य उसे बाहर निकालता है जो कि चुटकी का होता है। वो इमेज दिखाता है अविनाश और चुटकी एक दूसरे के साथ बंधे हैं और उसके साथ में एक धमकी भरा मैसेज होता है इमली के लिए, जहाँ पर इनिशियल लोकेशन होती है और वहाँ पर 3 बजे पहुँचना है अगर उन दोनों को ख़तरे में नहीं डालना है तो। नव्या रोना शुरू करती है, तभी अन्नपूर्णा यहाँ पर उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। बड़ी माँ जी इमली को ब्लेम करती हैं, जिसकी वजह से इमली कहती है कि मैं दोनों को सही सलामत ले आऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए। अगस्त्य कहता है कि किलर ने तुम्हें इन्वाइट लंच पर नहीं किया है। इमली कहती है कि चाहे जो हो जाए, मैं अविनाश और छुटकी की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल सकती, मैं उनको बचाऊंगी। बाद में इमली अगस्त्य विश्वा जाते हैं लोकेशन की तरफ और विश्वा अगस्त्य को अपने साथ जाने से ले जाने से मना कर देता है और इमली भी कहती है कि ये सही रहेगा। इधर रास्ते में विश्वा और इमली सोचते हैं कि आखिर किलर ने उसे कॉल क्यों नहीं किया। इमली कहती है हो सकता है वो हमारे पुराने घर में हो। तभी थोड़े टाइम के बाद वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं और इमली यहाँ इधर उधर देखना शुरू करती है। तभी विश्वा छुप जाता है। इमली को यहाँ पर फ्लैशेज आते हैं उसके पास के और किलर जो है वो रूफ टॉप पर छुपा है। इधर घर पर नव्या ब्लेम करती है अन्नपूर्णा को और उसकी फैमिली को कि दोनों बेटों की ज़िंदगी उन्होंने खतरे में डाल दी है और उन्होंने उसके पति को भी मार दिया। थोड़े टाइम के बाद नव्या जाती है। सोनाली कहती है कि मीरा अब यहाँ प्रेजेंट थी, तभी तेज ने अपने आप को मार लिया। राधा यहाँ पर सारी बातें सुन रही होती है और वो अपने आप से कहती है कि मुझे सच का बाहर पता लगाना ही होगा, सबके सामने सच लाना होगा कि आखिर उस रात क्या हुआ था। मीनवाइल इमली अगस्त्य के कॉल का आंसर करती है और कहती है कि तुम जहाँ पर हो तुम वहीं रहो, मुझे कोई डर नहीं है और हो सकता है कि मैं कल ना बचूं, इसीलिए आज जो होना है हो जाए। अगस्त्य तभी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं छोड़ सकता। इमली उसकी बात सुनने से मना कर देती है और आगे जाने लगती है। तभी विश्व अगस्त्य को स्टॉप करता है, उसके पीछे मत जाओ। किलर जो है वो पीछे से आता है और इमली को एक इलेक्ट्रिक गन की वजह से बेहोश कर देता है। विश्व और अगस्त्य फाइट करते हैं और किलर इस बात का फ़ायदा उठाता है। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि इमली तो है ही नहीं, वो उसे देखने जाते हैं। अन्नपूर्णा अगस्त्य को कॉल करती है और अविनाश और छुटकी अपने घर में ये जो ट्रैप है उसमें फंस चुके हैं अपने आप ही। अगस्त्य और विश्वा को शौक है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और इमली गई कहाँ, और वो उसे ढूंढने लगते हैं। इधर जो किलर है वो इमली के पेट में छुरा घोंपने वाला ही होता है। तभी राधा वहाँ आ जाती है और उसको रॉड से पीटती है। अगस्त्य विश्वा देखते हैं कि किलर और राधा की लड़ाई हो रही है और तभी वो इमली को उठाने की कोशिश करते हैं। इमली आँख खोलती है और उसका नाम लेती है। राधा तभी आंसू में बिखर जाती है, वो बहुत फूट फूट कर रोती है और वो कहती है अगस्त्य और विश्वा के आते ही हम लोग चलते हैं। अगस्त्य इमली को उठाता है और उसे बाहर ले जाता है और तभी उसे वापस घर ले जाता है। बाद में इमली अगस्त्य का हाथ पकड़ती है और कहती है कि क्या मैं सपना देख रही थी किलर के बारे में, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे ऐसा लगा मैंने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। तभी अगस्त्य विश्वा को बताता है कि वो जल्द ही इमली को होश में लाएगा और होश में आते ही इमली हमें बताएगी कि आखिर वो कौन था। वेल यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कौन है ये किलर जो इमली के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। वेल फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।